हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मधु शर्मा देहरादून से हूँ। मैं 20 जनवरी 2021 में गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ी और यहाँ पर जो है मेरी रजनी जी और किरण जी के साथ मेरी भागवत गीता की सेकंड रीडिंग चल रही है। भागवत गीता को सुनने के पश्चात यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल जो अध्ययन जो हम कर रहे हैं भागवत गीता का इतनी सरल भाषा में, और उससे जो है हम अपने जीवन में उसको उतार पा रहे हैं। वाकई में बिल्कुल प्रैक्टिकली हम उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसा व्यवहार करना है, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम सब उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और भागवत गीता हमें सिर्फ जीना सिखाती है, और भागवत गीता में ही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम बहुत समय से सोचते आते हैं, और कभी ना कभी हमें यहाँ पर हमारे भागवत गीता में हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले पता लगाया है कि जो मोह होता है, मोह जो है वो हमारे जो है दुखों का बहुत बड़ा कारण है। मोह के बंधन में फंसकर हम हमेशा जो है अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक हमें ये धृतराष्ट्र से पता चलता है कि वो अपने पुत्र के मोह में किस कदर अंधा हो गया था कि वह अपने राजा के धर्म को भूल गया, और उसने वो इतनी स्थिति खराब कर ली कि सबको युद्ध की स्थिति में आना पड़ा और उसने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। तो ये सब सिर्फ मोह का ही कारण था। ऐसी कुछ स्थिति जब अर्जुन जो था वो युद्ध के मैदान में उसको जाना पड़ा, वो वहां खड़ा हुआ तो वो नहीं चाहता था कि मैं युद्ध करूं, पर कुछ कारण ऐसे बन गए जिनकी वजह से युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो जब वो वहां गया तो उसने जब अपने इर्द गिर्द आस पास सामने देखा कि मेरे भाई बंधु सखा मेरे गुरु मेरे सारे सब लोग हैं, तो मैं वो जो है घबरा गया, विचलित हो गया, और उसने प्रभु से कहा कि मैं प्रभु युद्ध नहीं कर सकता। और इस प्रकार जब वो बहुत विचलित होने लगा तो भगवान ने उसको जो भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो वो ज्ञान हम सबके लिए है कि हम जो है किस तरह से मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य और अपने धर्म को भूल जाते हैं। तो हमें मोहवश होकर अपने आप को मोह से बचाना है, और मोहवश होकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो हमारे प्रभु प्रसन्न ना करें। फिर हमें यहाँ पता लगा दूसरा कि जो गुण गुण जो है वो तीन प्रकार के गुणों का हमें पता लगा है, तामसी राजसी और सात्विक। तो हमें तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुण की तरफ जाना है। ये तीनों गुण हमारे ऊपर प्रभावित होते हैं, जन्म से ही हमारे सबके अंदर होते हैं, और हम जब हैं देखते हैं कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरा कैसा व्यवहार कर रहा है। अब हमें यह समझ में आ गया, हम जो है दूसरे के व्यवहार से ही गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर या हमारे ऊपर इस समय कौन सा गुण हावी है। तो हमें अपने आप को तामसी से बचाना है, राजसी, और राजसी से सात्विक की तरफ जाना है। और जिसमें सात्विक में भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सूक्ष्म जो है वो अहंकार की भावना रह जाती है कि जिसमें हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे बढ़िया करता हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही अच्छा कर रहा हूँ। तो इसके वजह से हमारी परमात्मा की दूरी बनती है, और परमात्मा जो है वो अहंकार वश जब हम होते हैं तो परमात्मा हमारे नजदीक नहीं आते, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तू अहंकार का त्याग करेगा तभी मैं मतलब तू मेरा अच्छा बच्चा बन पाएगा। फिर हमें यहाँ पता लगा तीसरा कि संन्यास क्या है। तो संन्यास के बारे में पहले हम सोचते थे कि पता नहीं घर बार छोड़कर और कहाँ जाना पड़ेगा, जंगलों में या इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो नहीं, संन्यास का मतलब हमें यहाँ समझ आया कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं जिनके हम वशीभूत हो जाते हैं कि मेरा घर मेरा परिवार मेरा सामान मेरा ये मेरा वो, करते करते हम इतने उसमें ललायित हो जाते हैं कि हम जो है उनको त्याग नहीं कर पाते। तो हमें भौतिक इच्छाओं की जो वस्तुएं हैं, जो हमारे अंदर संग्रह की जो आदत है, हमें उसका त्याग करना है, उसी को ही हम उसका ही परित्याग करेंगे, वही संन्यास है। फिर हमें त्याग का पता लगा। त्याग में भी हमें ये लगता था पता नहीं किस चीज का त्याग करना होगा। तो त्याग से हमें पता लगा है कि भाई हमें जो है जो भी हम कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं हम किसी फल की इच्छा से बंधे रहते हैं। तो हमारे अंदर जो एक फल की इच्छा होती है कि इस कर्म को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो हमें फलों की चाह नहीं रखनी, और सब कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को हंसते हुए करना है, और सारा जजमेंट परमात्मा के हाथ में छोड़ना है कि फल देने वाले तो हमारे सिर्फ परमात्मा है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। त्याग के बाद हमें पता लगा कि
जो है हमारी इंद्रियों, हमें अपनी इंद्रियों को किस तरह से वश में करना है। हम इंद्रियों के बहुत वशीभूत रहते हैं, तो जिस प्रकार से अगर हमारे ऊपर भौतिक जगत की जो है इच्छाएं बहुत ज्यादा रंग चढ़ने लगे और हमारे ऊपर नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा असर होने लगे, तो हमें फौरन जो है जिस प्रकार कछुआ जो है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है जब वो बाहर खतरा देखता है, तो ठीक उसी प्रकार हमें जो है अगर हमारे आसपास कोई खतरा लगे तो हमें हरि नाम का कवच पहनकर प्रसन्न मन से बिल्कुल शांत भाव से वहां से निकल जाना चाहिए। फिर हमें पता लगा है कि हमें प्रभु कहते हैं कि बच्चे तू डर मत, तू मेरी शरणागता जा और सारे कर्म जो है वो सिर्फ मेरी ड्यूटी समझ कर कर, जो भी तुझे मैंने काम दिया है उसको इस भाव से मत कर कि मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों करूं, मुझे इसका क्या फल मिलने वाला है। तो जब हम ये भाव रखते हैं तो हमारी परमात्मा से दूरी बढ़ जाती है। भगवान ने गीता में यही कहा है कि तू स्वतंत्र बुद्धि का मालिक है, तुझे मैंने स्वतंत्र बुद्धि का मालिक बनाया है, अब चॉइस तेरी है, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है। फिर प्रभु ये भी कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरणागत हो जा और मैं तुझे हर पाप कर्म से मुक्ति दूंगा और तू मेरी शरणागत हो। हमें सिर्फ यही भाव परमात्मा के आगे रखते हुए अपनी भक्ति को बढ़ाना है। भगवद गीता का जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें तभी हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छा समाज, एक अच्छा परिवार बना सकेंगे जब हम भागवत गीता में बताई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो हमें हर घर मंदिर बनाना है, हर मन मंदिर बनाना है और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम प्रभु की शरणागत रहें और यही प्रार्थना करें, हे प्रभु ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।